आज हम पहुंचे हैं अरवल जिले के प्रखंड के शेरपुर पंचायत में मलकपुरा में, जहां पर रविदास जयंती समारोह मनाया जा रहा है। यहां पर मुख्य अतिथि अब्दुलपुर विधायक माननीय सतीश दास जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप रविदास जयंती में मुख्य अतिथि में शामिल हुए तो अपने समाज के लिए उन्होंने क्या संदेश दिए, मैं इनसे जानना चाहता हूं। उसने देखिए, संत रविदास जी की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है और एक माह तक मनाई जाती है। और संत रविदास जो अपने चौपाल में दोहों में इतनी सारी बातें लिखी है, जो अगर उसको आम जनों तक पहुंचा दिया जाए, सचमुच में समाज बराबरी पर आ जाएगा। लेकिन संत रविदास को भी साजिशन आम जनों तक पहुंचने नहीं दिया गया। संत रविदास जी का लेखनी सभी लोग के लिए था, पूरा मानव कल्याण के लिए था। जैसे गौतम बुद्ध का संदेश पूरे मानव कल्याण के लिए था, उसी तरीके से संत रविदास जी का पूरे मानव कल्याण के लिए संदेश था। ये पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ था। लेकिन संत रविदास को बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी लोग सिर्फ रविदास के नजरिए से देखते हैं, जमात के नजरिए से देखते हैं। जबकि संत रविदास ने तो कहा स्पष्ट है, जहाँ सबन को मिले अन्न और छोट संत रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास काल मार्क्स से पहले साम्यवाद की कल्पना की। संत रविदास काल मार्क्स जब नहीं आए थे, तभी उन्होंने कैसा राज चाहिए जहाँ पे ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं हो, सबको भर पेट भोजन मिले, सबको समान शिक्षा मिले। इसकी वकालत आज से 650 साल पहले तो संत रविदास को जन जन तक ले जाना है। और आज भी जो हमारे लोग शिक्षा से वंचित हैं, आज भी जो हमारे लोग अंधविश्वास, पाखंड, ओझा, डायन, भूत प्रेत में उलझे हुए हैं, उनको उस सबसे बाहर निकल करके एक सचमुच में वास्तविक वैज्ञानिकता पर आधारित अम्बेडकर मूल्य पेरियार की जो शिक्षा है, उस शिक्षा के तरफ उनको लेके जाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा संदेश है। और संत रविदास की जहाँ पर चर्चा हो, वहाँ पे अंधविश्वास का, अंधभक्ति का कोई स्थान नहीं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि रविदास जयंती प्रदेश स्तर पर मनाया जा रहा है, रविदास समाज के लीडर वो कुछ लोग मना रहे हैं, सामाजिक स्तर पर ये आवाज उठी है। जब रविदास समाज का जयंती मनाया जा रहा है तो वहाँ पर अदर लोग मुख्य अतिथि होते हैं या और उद्घाटन करता होते हैं, तो इसमें समाज के लोग आवाज उठा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गलत बात है। सबसे बड़ी बात है कि आज डॉक्टर अम्बेडकर कोई जात के बंधन में है, जगदेव बाबू कोई जात के बंधन में रहे, कर्पूरी ठाकुर कोई जात के बंधन में रहे, विचारधारा को अभी कोई जात के बंधन में नहीं रह सकते। विचारधारा को आप जी, उस विचारधारा को मानने वाले कौन लोग? संत रविदास के अगर कोई उद्घाटन करता होते हैं तो क्या सचमुच में वो संत रविदास के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं कि नहीं है? किसी जात धर्म के लोग हो लेकिन संत रविदास के फॉलोवर्स हैं कि नहीं, उनके पदचिन्हों पे चलने वाले लोग हैं कि नहीं? यदि वो ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, वो मनुवाद के पोषक हैं और संत रविदास के मंच का उद्घाटक बन जाते हैं, इसका मतलब उस मंच का अपमान। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि अरवल जिला रेलवे लाइन विहीन है, क्या आप सदन में इसकी आवाज उठा सकते हैं? देखिए, रेल भारत सरकार का मामला है और ये राज्य का मामला है नहीं, लेकिन हम यकीन दिलाते यदि लालू प्रसाद यादव जी भारत के रेल मंत्री और कुछ लंबे समय तक रहते तो अरवल जिला से लेकर के इमामगंज बरिया भी जो आज अब चतरा तक जो वंचित है, ये तमाम लोगों का सर्वे उन्होंने करवा लिया था, जुट जाता। तो फिर से हम यही कहेंगे 2024 में फिर से इस मनुवादी, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी गठजोड़ की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार को निरस्त कीजिए और महागठबंधन की सरकार सेंटर में भी बनाइए, अरवल को रेल का सौगात मिलेगा।